मैं पूरे दावे और यकीन के साथ कह सकता हूं कि यदि एक शब्द में आपसे पूछा जाए कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद की एग्जैक्ट सही परिभाषा क्या होगा, तो यकीन मानिए कि आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आज के क्लास में हम बताने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट चीज, एक तो बीजगणितीय व्यंजक और दूसरा बहुपद की परिभाषा, क्योंकि बहुपद की परिभाषा को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा बीजगणितीय व्यंजक। तो बीजगणितीय व्यंजक को इंग्लिश में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और बहुपद की परिभाषा आई मीन डिफिनीशन ऑफ पॉलीनोमियल। तो ये दोनों चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं उमेश राय मैथ स्ट्रोक चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और यदि आप मैथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखना पसंद करते हैं या चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बीजगणितीय व्यंजक, जिसको बीजीय व्यंजक भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं, एक या एक से अधिक, ध्यान से सुनिएगा, एक या एक से अधिक बीजीय पदों, बीजीय पदों से बना व्यंजक, एक या एक से अधिक ज्यादा बीजीय पदों से बना व्यंजक बीजगणितीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है ना। अब ये जो बीजीय व्यंजक जो है ये दो चीज से बनता है, चर और अचर, ध्यान से सुनना, चर और अचर। चर क्या होता है, जैसे देखिए थोड़ा देर के लिए बता रहा हूं, चर जो हुआ एक्स वाई जेड इस तरीके के, ठीक है ना, जिसका मान जो है डिफिनिट नहीं रहता है, चेंज होते रहता है, बदलते रहता है, वो आपका हो गया चर। और अचर क्या होता है, जो फिक्स रहता है, जिसका मान बदलता नहीं है, एक दो तीन न्यूमेरिकल जितना भी है ये सब अचर है। तो ये चर और अचर से जो रिलेशन बनता है, जैसे कि x प्लस वन, ध्यान से देखिएगा, इससे हम बना दिए, टू को y से अगर गुना कर दिए तो टू वाई हो गया, z में से तीन माइनस कर दिए तो z माइनस तीन हो गया। तो ये सब जो आप देख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सिर्फ x भी लिख सकते हैं, इसमें देखिए इसमें जो है एक पद है, सारे में एक पद है। अगर यहां से मैं ऐसे कर दूं, ध्यान से देखिएगा, तो देखिए इसमें दो पद हो गए, एक एक दो पद। तो यही इसमें बोला गया, देखिए ये एक पद है, ये एक पद है, लेकिन इसमें क्या है, एक या एक से अधिक बीजीय पदों, ये सब जो है बीजीय पद हुआ है स्टूडेंट, बीजीय पदों से बना व्यंजक को हम लोग बीजगणितीय व्यंजक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण स्वरूप हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए x टू दी पावर फोर, ठीक है ना, ये देखिए एक पद है इसमें, ये कितने पद है, एक पद है, देखिए बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें ये चर है, ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिएगा ये सब चर है और पांच क्या है, अचर है। देखिए चर और अचर से मिलकर बना, ये हो गया बीजीय व्यंजक, लेकिन देखिएगा इसमें कितना पद है, देखिए एक दो तीन चार, सेकेंड वाले उदाहरण में चार पद है, यही बोला गया था ना, एक या एक से अधिक बीजीय पद, इसमें एक पद था, इसमें चार पद है, इसमें एक दो तीन पद है, इसमें दो पद है, और ये सब का सब जो एग्जाम्पल दिए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक, आई मीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है आप लोग को। चलिए अब ये समझ गए तो अब देखिए बहुपद की परिभाषा, अब आपसे कोई पूछ दे कि बहुपद किसे कहते हैं, एक लाइन में एकदम सटीक आंसर लगाना है, सटीक आंसर बताना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो चलिए तो पहले समझते हैं बहुपद की परिभाषा होता क्या है, ठीक है। तो देखिए किसी एक चर में, ध्यान से देखिएगा ये बहुत बड़ा बात है, एक चर, इसमें एक से अधिक चर नहीं होना चाहिए, एक बहुपद में कोई एक ही चर होना चाहिए, या तो x या फिर y या फिर z या फिर t या फिर u, अल्फाबेट का कोई लेटर हो सकता है, लेकिन एक
बहुपद में कोई एक ही चर होना चाहिए, इस बात को नोट कर लीजिए। तो यही है कि किसी एक चर में बीजीय व्यंजकों को, देखिएगा ध्यान से, और बीजीय व्यंजक क्या होता है तो ऊपर हमने समझा दिया, चर और अचर से जो रिलेशन बनता है, ठीक है ना, जिसमें एक या उससे अधिक पद भी हो सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बीजीय व्यंजक। तो वही बात हम ऊपर समझाए, आप देखिए, किसी एक चर में बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कितना आसान है, किसी एक चर में बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं, और बीजीय व्यंजक हम समझा दिए। उदाहरण के लिए नीचे देखिएगा ध्यान से, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ, ये देखिए ये आपका बहुपद है, देखिए इसमें एक ही चर है, एक्स है, दो जगह है, कंफ्यूज मत होना, लेकिन एक्स ही है ना, इसमें वाई नहीं है। ये जो आपका है ये बहुपद है, भले हम इसको कहेंगे द्विघात बहुपद, घात के अनुसार से इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गों में बांटा गया है, उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इधर देखिए, ये देखिए ये है क्या, पहले नंबर ध्यान से देखिएगा ये क्या है, तो आप कहेंगे सर बीजीय व्यंजक है, है ना, तो देखिए एक ही चर में है, देखिए सम में एक्स है, तो ये भी एक बहुपद है, लेकिन ये त्रिघात बहुपद है। आगे देखिएगा इसमें यू है, देखिए देखिए इसमें यू है, यू के अलावा एक्स वाई नहीं है, तो ये भी एक चर में बीजीय व्यंजक है, एक चर में बीजीय व्यंजक है, इसको भी बोलेंगे बहुपद, ठीक है, और ये भी बहुपद, इसमें टी है। तो जितना का जितना एग्जाम्पल देख रहे हैं ये सब क्या है, बहुपद है, ठीक है ना, लेकिन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बहुपद नहीं कहेंगे। एक नोट बात बता रहा हूं, गांठ बांध लो कि जितना भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बहुपद कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसके लिए बहुपद को कैसे पहचाने, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, उससे बहुत बड़ा नॉलेज मिलने वाला है कि किस तरीके के या किस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे और किस बीजीय व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे, तो वहां से देख लीजिएगा। फिर भी एक चीज मैं बता रहा हूं, ये नोट को याद ध्यान से देखिएगा, एनओटी नोट, कि चर का घात, क्योंकि बहुपद तो चर से बना होता है, तो जिसमें जो भी चर है उसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर क्या होता है, यानी पूर्ण संख्या क्या होता है, चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, पूर्ण संख्या होता है जीरो एक दो तीन चार। तो जो भी बहुपद है उसका जो घात होगा, डिग्री होगा, वह एक होल नंबर होनी चाहिए, यानी एक दो तीन चार जीरो, ये सब होनी चाहिए, तभी वह बहुपद है। यदि उसका घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक भिन्न है या फिर एक ऋणात्मक संख्या है, तो वो एनी हाउ, मतलब हर हाल में वह जो है बहुपद नहीं होगा। इसे देखिए, ये वाले बहुपद में चर का घात कितना है, दो, दो क्या है, एक पूर्ण संख्या, इसमें भी तीन है क्योंकि बारह घात तीन है, तीन क्या पूर्ण संख्या, इसमें दो है ये भी पूर्ण संख्या, इसमें एक छुपा हुआ ये भी पूर्ण संख्या, सबके सब बहुपद है। लेकिन नीचे कुछ एग्जाम्पल लिए, ध्यान से समझने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अंडर रूट एक्स है, चर का अंडर रूट एक्स है, जैसे ही एक्स प्लस रूट को हटाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा वन बाई टू, ठीक है ना, इसमें चर का घात हो गया वन बाई टू, और वन बाई टू एक पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यह फ्रैक्शन में आ गया, यानी कि भिन्न में आ गया, भिन्न नहीं होना चाहिए, यह भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, वन बाई एक्स को जब हम पावर में चेंज करेंगे तो एक्स का पावर माइनस वन हो जाएगा, जब ऊपर इसको भेजेंगे तब पावर हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस वन क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है, कभी भी निगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, कभी भी पावर जो है भिन्न में नहीं होना चाहिए, अगर ये सब कहीं मिल जाता है तो तुरंत काट दो, यह बहुपद नहीं होगा, पूरे चैलेंज के साथ बोल देना कॉन्फिडेंस से कि यह बहुपद नहीं होगा। देखिए यह भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसका पावर निगेटिव में है, ये भी नहीं है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो ये सब जो है बहुपद नहीं है नीचे वाला एग्जाम्पल, और जो ऊपर दिए हैं ये सब के सब क्या है, बहुपद है। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए मैथ स्ट्रोक।